हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र धोड़किया फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपका जिसको बेसब्री से इंतज़ार था वो बात लेके बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर ITI कब खुलेगी। तो वो सवाल का जवाब तो मिल गया है कि ITI कब खुलेगी। अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार वो 21 को खुलेगी। इसका मैंने डिटेल में कैसे खुलेगी, नई ITI की तस्वीर कैसी होगी, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे जाना है, वो सब गाइडलाइन का एक वीडियो बना के छोड़ा है इसी चैनल के ऊपर। तो आप उसमें से गाइडलाइन ले सकते हैं कि ITI जब खुलेगी तो कैसे खुलेगी और कैसी उनकी तस्वीर होगी। और अभी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कि ITI में एग्ज़ाम कब होंगे। वो दूसरा सवाल था, बहुत सारे बच्चे तकरीबन 2500 2500 जितने सब्सक्राइबर है उनमें से ज़्यादातर बच्चों के सवाल यही थे कि सर हमारी एग्ज़ाम कब होगी और कैसे होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं कैसे होगी का सवाल का जवाब देने वाला हूँ। आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। फिलहाल तो हम बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम है वो कब होगी। तो आपने दोस्तों देख लिया होगा कि निमिका मॉक टेस्ट आपका शुरू हो गया है। आपको जैसे ही ऑनलाइन ट्रेनिंग का पूरा मुहावरा हो जाए, आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाए, तो जल्द ही आपके एग्ज़ाम भी होने वाले थे। पर आज जो मेरे सामने खबर आई है, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो खबर है टैगोर ITI के हवाले से। उनको DGET का डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग और NCVT नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा उसको एक मेल प्राप्त हुआ है। उसमें लिखा गया है कि 21 सितंबर से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। वो बात उसने लिख दी है और उसके बाद 40 दिन के अंदर आपकी एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो मेल का डिटेल कुछ ऐसा है कि एज पर MHH गाइडलाइन यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गाइडलाइन के अनुसार जो 4 अनलॉक किया गया है, तब उसमें लिखा गया था कि 21 तारीख को आपको ITI सब स्किल डेवलपमेंट के सेंटर भी खुलने वाले हैं। तो एंड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेंडिंग ट्रेनिंग अबाउट 40 डे। आपने जाना होगा कि बहुत सारा ट्रेनिंग जो पोर्शन है वो आपका छूट गया है। तो उसके लिए NCVT और DGET ने 40 दिन का वक्त मुकर्रर किया है कि 21 तारीख को जब आपकी ITI खुलेगी तो उसके बाद 40 दिन के अंदर अंदर जो भी आपकी थियोरी और प्रैक्टिकल और सिलेबस वगैरह जो है उनको पूरा करने का वक्त है। और उसके बाद द ट्रेनिंग एंड एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एज पर, उसके बाद आपकी एग्ज़ाम होगी और एग्ज़ाम विल बी कंडक्टेड एज पर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से। तो वो SOP क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और MOHFW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो जो गाइडलाइन देंगे और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो गाइडलाइन देंगे उसके हिसाब से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। तो आपको 21 तारीख से लेकर 40 दिन तक गिनती करनी है। अबाउट 40 डेज लिखा है, तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा छूट छाट हो, ताकि पहले तो पता करना पड़ेगा कि किनको कितना सिलेबस वगैरह बाकी है। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए आपको 21 तारीख के बाद 40 डेज का वक्त मिलने वाला है। और अब बताने जा रहा हूँ कि वो एग्ज़ाम कैसी होगी, यानी कि प्रैक्टिकल में कैसा आपका रहेगा, आपकी थियोरी कैसी रहेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसा रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्या होगा। तो दोस्तों, मैंने इस चैनल के ऊपर ये पूरी की पूरी जो बात है वो छोड़ रखी है और उसका एक लाइव सेशन भी किया था। जिसको मालूम नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ कि उसमें तकरीबन 30 मिनट तक एग्ज़ाम कैसे होने वाली है, 4 सब्जेक्ट में आपको कैसे प्रिपेयर होना है, वो बातें बताई गई हैं। आप इस चैनल के अंदर जाएंगे तो यहाँ प्लेलिस्ट पे अगर क्लिक करेंगे तो उसमें एक एग्ज़ाम का पूरा प्लेलिस्ट बना के छोड़ा है।
जिसमें आपको ITI एग्ज़ाम में पूरे 13 वीडियो जैसे छोड़ रखे हैं। इसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन का मैंने जो बताया वो लाइव सेशन का ये बात है, और उसकी गाइडलाइन कैसी है, कौन से सब्जेक्ट ऑनलाइन होंगे और कौन से सब्जेक्ट ऑफलाइन होंगे, ये दूसरा वीडियो छोड़ रखा है। आपको कहाँ से सोर्स मिलेगा उसके लिए, प्रैक्टिकल के लिए और ITI के सुपरवाइज़र के लिए कहाँ से मटेरियल मिलेगा उसके बारे में ये बात है। मॉक टेस्ट के बारे में आपने शायद जान चुके होंगे, ना जाने हो तो ये वीडियो देख लेना। और वर्चुअल क्लासरूम भी अरेंज किया गया है, तो वो क्या चीज़ है वो इस वीडियो में है। और ट्रेनिंग मटेरियल आपको भारत स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए आपको ये जो क्वेस्ट ऐप का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एप्लीकेशन है वो उसके बारे में दिखाया गया है। तो दोस्तों आपकी एग्ज़ाम 21 तारीख को ITI जब खुलेंगी तो उसके बाद 40 दिन के अंदर आपका जो ट्रेनिंग छूट गया है वो पूरा करने के बाद एग्ज़ाम होगा, ऐसा टैगोर ITI के हवाले से अभी खबर आई है और मैं ये खबर आपको पहुंचा रहा हूं। इसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर शायद ऐसा गवर्नमेंट सोच रही है या मेल किया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका आपको तैयारी ऐसी करनी है, मॉक टेस्ट में पूरा इंटरेस्ट लेना है निमिका जो है वो, और जो गाइडलाइन मैंने वीडियो के अंदर दी रखी है एग्ज़ाम के बारे में वो भी ज़रा देख लेना। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपका दोस्त जितेंद्र धुड़किया आपका अब तक जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और भी खबरें यहाँ पे इस चैनल पे 250 से ज़्यादा वीडियो हैं, और भी आने वाली खबरें आप तक पहुँचाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।